पिछले कई दिनों से किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब तैयारियों के बावजूद किसानों की फसल खरीद शुरू नहीं हो सकी। आज से फसल खरीद शुरू होनी थी, लेकिन रातों रात आए निर्देशों के बाद खरीद की तारीख आगे बढ़ गई। वहीं अंबाला के कुछ किसान आज मोबाइल में फसल खरीद का मैसेज पाकर अपनी फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज खरीद नहीं होगी तो किसान काफी निराश नजर आए। मेरे पास 30-35 किलो एकड़ जीरी है, जो कि आज मैं 15 दिन से यह मंडी में इकट्ठी कर रहा हूं, लेकिन सरकार ऐसी बैरी गुंगी हो रही, इसको कोई सुनाइयो नहीं। आज मेरे पास मैसेज था, आज फिर पता लग रहा है भी ये नहीं लेंगे। हम सरकार से कहते हैं, हमें मजबूर ना हमें करो, हमें आता जिमीदारों को भी बहुत कुछ आता है। परसों तक बैठे हैं गेर के उरे, कोई पढ़ाई नहीं शुरू हुई। उस दिन ही हूँ पता लग गया, कहने फिर तरीक बदलती, फिर अगे 85 तरीक भी जिमीदार दसो क्या करे, घर देखे कि उरे देखे, मंडी में देखे फसल अपनी नू। सरकार मोचर है, मोचर लो कड़ो, मोचर कट के अपनी साड़ी पढ़ाई शुरू करो। क्या मांग करती सरकार से? है क्या मांग करती है सरकार से? सरकार से मांग करते हैं भी अपनी जीरी दा मोचर करके अपनी कटिया में पाके तोड़ के सानू घर भेजो। वही मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि अभी फसल खरीद के लिए गेट पास पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही सरकार द्वारा फसल खरीद के आदेश आएंगे खरीद शुरू करवा दी जाएगी। अनाज मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। मंडी में जो सफाई व्यवस्था है, पीने के पानी की है और बिजली की है, वो सारी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कर ली गई है, और जो पड़की है वो भी सफाई वगैरह करवा दी गई है। किसानों को जो पैड़ी की प्रोक्योरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जब भी बात की गई थी, क्या ऑर्डर अभी आया है? अभी तो अभी ऐसे कोई आदेश नहीं है। जब भी जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो खरीदेगी, हमारी पूरी तैयारी है, हम खरीदने के लिए तैयार है। जब भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी परचेज करेगी तो अभी गेट पास कटने शुरू नहीं हुए। अभी गेट पास कटने शुरू नहीं है क्योंकि ये खरीद पोर्टल अभी बंद है। बता दें कि पहले 25 सितंबर धान की खरीद की तारीख दी गई, उसके बाद 1 अक्टूबर, लेकिन आज जब किसान अपनी फसल मैसेज मिलने के बाद मंडी में बेचने के लिए पहुंचे तो खासे नाराज दिखाई दिए। अधिकारी पिछले कई दिनों से तैयारियां पूरी होने की बात कह रहे हैं, ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर सरकार जल्द खरीद शुरू नहीं करती तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।